अब वो समय केवल इतिहास के पन्नों पर लिपटी धूल की धुंध में सिमट कर रह गया है, जब महिलाएं बेड़ियों में कैद हुआ करती थी। अब वो समय आ गया है जब महिलाएं केवल आत्मनिर्भर हो रही है बल्कि परिवार का आर्थिक आधार भी बन रही है। कुछ ऐसी ही कहानी विदिशा जिले की प्रभा अहिरवार की है। उनकी तमाम उम्र खेतों में मजदूरी और ईंटें बनाने में गुजर गई। उनके पति भी मजदूरी करते थे। घर की पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो आज के समय में आत्मनिर्भर बन रही है। अपना भोजनालय चलाती है। यह संभव हो सका शिवराज सरकार की स्वसहायता समूह योजना से। इस योजना के तहत उन्हें 50,000 रुपयों की मदद मिली और उन्होंने 2020 में अपना भोजनालय शुरू किया। मेरे लिए समूह द्वारा 50,000 का बैंक से लोन लिए मैंने, उससे अपना भोजनालय चालू किया। सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और क्या, रोजगार में अपना स्वयं का रोजगार वैसे तो कर नहीं पाते, लेकिन आजीविका मिशन से जुड़ के अपना स्वयं का रोजगार कर रहे, आज किसी पटेल की मजदूरी करने नहीं जा रहे। प्रभा अहिरवार बताती है कि उन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती तो वो और उसके पति आज भी खेतों में ही मजदूरी करते रहते। उनकी जिंदगी में 7 साल पहले बदलाव आया जब शिवराज सरकार की स्वसहायता समूह योजना के तहत अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया। इससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना भोजनालय शुरू किया। अब इसमें उनके पति और परिवार के बाकी सदस्य भी मदद करते हैं। वो उनको भी सैलरी देती है, साथ ही परिवार का सारा खर्चा भी खुद उठाती है। इतना होने के बावजूद वो हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए की बचत कर लेती है। इस भोजनालय को खोलने में वो सरकार को बहुत धन्यवाद करती है। उनका मानना है कि शिवराज सरकार की इस योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वो किसी की यहाँ मजदूरी नहीं करते बल्कि उनका खुद का बिजनेस है। उनका परिवार भी अच्छी जिंदगी जी रहा है।